हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का। जेईई मेन 2024 का रिजल्ट अब से कुछ देर पहले जेईई मेन की वेबसाइट पर रिलीज हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। जेईई मेन की वेबसाइट पर आप सभी अपना एप्लीकेशन नंबर, आप सभी का डेट ऑफ बर्थ डाल के जेईई मेन का रिजल्ट देख सकते हैं। जेईई मेन 2024 के रिजल्ट में आखिर खास क्या है? जेईई मेन 2024 रिजल्ट में आपके सेशन 2 का 7 डेसिमल में टोटल एनटीए स्कोर आया है। 7 डेसिमल में टोटल एनटीए स्कोर के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर आ चुका है। सेशन 1 में जो आपने एग्जाम दिया था उसमें आपके टोटल एनटीए स्कोर और सेशन 2 के टोटल एनटीए स्कोर में जो एनटीए स्कोर आपका हायर है उस एनटीए स्कोर के हिसाब से आप सभी की ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर की गई है। जो बच्चे कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उन सभी स्टूडेंट के जनवरी और अप्रैल सेशन के हायर एनटीए स्कोर के हिसाब से कैटेगरी रैंक भी डिक्लेयर की गई है। और साथ साथ डिक्लेयर की गई है आखिर कौन स्टूडेंट 26th ऑफ मे को होने वाले आईआईटी मद्रास के थ्रू एग्जामिनेशन जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। उनकी 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर में परसेंटाइल डिक्लेयर की गई है, जिसमें इंडिविजुअल आपकी कैटेगरी वाइज ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की कैटेगरी वाइज परसेंटाइल डिक्लेयर की गई है। यानी जो बच्चे जेईई मेन की 7 डेसिमल में कट ऑफ परसेंटाइल से ऊपर है वो बच्चे जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हुए हैं। यानी तीन चीजें आपके सामने आई हैं, सेशन 1 के बाद सेशन 2 का टोटल एनटीए स्कोर, सब्जेक्ट वाइज एनटीए स्कोर, सेशन 1 और सेशन 2 के हायर एनटीए स्कोर से आपकी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और साथ साथ जेईई एडवांस एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी। तो जाइए जेईई मेन की वेबसाइट पर, चेक कीजिए आखिर आपकी क्या ऑल इंडिया रैंक आई है और क्या आपकी कैटेगरी रैंक आई है और आप जेईई एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। हम आपको बताएंगे कि आपकी इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया रैंक पे और कैटेगरी रैंक पे आपको कौन से एनआईटी डिप्लॉयड टीम में ब्रांचेस मिल सकती हैं, या फिर अगर आपकी जेईई मेन में ऑल इंडिया रैंक बहुत पीछे है या कैटेगरी रैंक आपकी अप टू द मार्क नहीं है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहिए और जेईई मेन के बेसिस पर, जेईई मेन के बेसिस पर ही कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आप सबके लिए अच्छी ब्रांचेस मिल सकती है। तो फटाफट जाइए जेईई मेन की वेबसाइट पर, चेक करिए अपना ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और एडवांस की एलिजिबिलिटी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक क्या आई है और एडवांस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं और आप क्या आगे प्लान कर पा रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, लगातार जुड़ते रहेंगे सरियर के सारे अपडेट के साथ। आप सभी का रिजल्ट उम्मीद करते हैं अच्छा गया होगा। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।